जनपद पीलीभीत की आदर्श नगर पंचायत बरखेड़ा की चेयरमैन इदरीश बेगम के पति पूर्व चेयरमैन जमील अहमद से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पति जमील अहमद ने अपनी चेयरमैन पत्नी इदरीश बेगम के कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों एवं भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। मैं जमील अहमद, नगर पंचायत बरखेड़ा, पूर्व चेयरमैन। वर्तमान में मेरी पत्नी आदर्श नगर पंचायत की चेयरमैन है, जिनका नाम इदरीश बेगम है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2200 मकान लगभग बनके हैंडओवर हो चुके हैं। 600 मकानों की सूची गई हुई है, जो बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। 1150 शौचालय घरों में दे दिए गए हैं लोगों को, जिसका वो पूर्ण तरीके से यूज कर रहे हैं। 80% सड़कों का काम लगभग हो चुका है, बाकी आने वाले समय में 20% वो भी पूरा करा दूंगा। 60 शौचालय, जो शौचालय हैं सार्वजनिक, वो 9 शौचालय बरखेड़ा के सभी कोनों में बनवा दिए गए हैं। बाहर से आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। एक हमारे यहाँ समाधि स्थल है, उस पर मैंने एक बाउंड्री वाल करा दी है। एक रोड ऐसा था जिसमें लोग पानी में होके निकलते थे, उस रोड को बनवा दिया गया है, उसका रोड बनवा दिया गया है। अंदर जितने रोड हैं सभी बन गए हैं। जहाँ पर स्थल को फूंका जाता है वहाँ पर थोड़ी ईंट लग गई है, बाकी ईंट अभी बहुत जल्दी लग जाएगी। समाधि स्थल का पूरा काम सौंदर्यकरण में बदलना चाह रहा हूँ मैं। आयुष्मान कार्ड योजना, जिसके जरिए 5 लाख तक का इलाज गरीब आदमी को पूरे देश में कहीं भी वो करा सकता है। जी, उसमें कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं? उसमें ऐसा है, पूर्व चेयरमैन जो थे अशोक कुमार गुप्ता, 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय हम चेयरमैन नहीं थे। उन्होंने जनगणना को बहुत कम उसमें कराया, लगभग 40%। अगर ये जनगणना 90% हुई होती तो 90% लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल गया होता। अब मौजूदा हालत जो है वो जनगणना के हिसाब से आयुष्मान कार्ड बांटे जाते हैं, तो 40% लोगों को मिल गए हैं। आने वाले दौर में जो जनगणना होगी उसमें 100% लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। कि हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर हो और चूल्हा हो, तो उसमें कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है? उसमें ऐसा है ना कि उसी जनगणना के हिसाब से लोगों को वितरण हुआ है, तो लगभग 40% लोगों को गैस चूल्हा मिल चुका है, क्योंकि जनगणना हमारी वही 2011 की मान रहे, ठीक है। आने वाले दौर में अब जो जनगणना होगी उसमें मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 90% लोगों को गैस चूल्हा फ्री मिलेगा सरकार से। तो कौन से ऐसे काम हैं जो आप अगले कार्यकाल में कराना चाहते हैं? अभी बहुत से काम हैं ऐसे जो मैं दिल से चाहता हूं, बरखेड़ा का सौंदर्यीकरण। हमारे यहाँ एक पुरानी बाजार है, उसमें एक पार्क है, मैं ये चाह रहा हूँ उसको इतना खूबसूरत करके सौंदर्यीकरण बनाऊँ ताकि लोग बाहर से देखने आएँ। मेन रोड पर मैं कुछ कराना चाह रहा था, लेकिन सरकार की योजना है कि मेन रोड अभी बढ़ाया जाएगा। इसके जो भी काम होंगे सौंदर्यीकरण में, उनको मैं पूर्ण कराऊंगा। ये विश्वास दिलाता हूं जनता को कि मैं एक तीसरी बार बनने के बाद बरखेड़ा को अलग एक इतिहास बना दूंगा, जो लोग पहचान करेंगे कि बरखेड़ा कोई नगर पंचायत है। ये मेरी एक दिली तमन्ना है। वैसे तो मेरी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, लेकिन ये मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं बरखेड़ा नगरवासियों के लिए एक अपनी तरफ से एम्बुलेंस, मैं ऑक्सीजन के, मैं डॉक्टर के, मैं उसके, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पताल पे एम्बुलेंस हैं वो केवल पीलीभीत तक सीमित हैं, वो बाहर नहीं जा सकती हैं। लेकिन हमारी गाड़ी, हमारा ड्राइवर ऑक्सीजन लगा के जहाँ भी आप ले जाना चाहोगे। मैं जनता के लिए ये काम तीसरी बार बनने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि मैं एक एम्बुलेंस बरखेड़ा नगरवासियों के लिए अपने प्लाट पर खड़ी कर दूंगा। ठीक, जिस किसी को चाहिए है उसे एक पैसा भी कोई खर्च नहीं करना, चाहे वो दिल्ली मरीज जाए, चाहे बरेली जाए, चाहे लखनऊ ले जाए, क्योंकि हम लोगों को जूझना पड़ता है। मैंने देखा है इस बार में कोरोना काल में कि बरखेड़ा की जनता काफ़ी परेशान रही,
कि वो एम्बुलेंस वहाँ चली गई, वो वहाँ चली गई, अब दिल्ली ले जाना नहीं ले जा सकते क्योंकि प्रावधान नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से एक बरखेड़ा नगरवासियों को एक ऐसी एम्बुलेंस दूंगा जो मिसाल होगी, उसमें डॉक्टर भी होगा, ड्राइवर भी होगा, तेल भी मेरा होगा, आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है, केवल गाड़ी में मरीज को लेकर बैठना, जिस अस्पताल में ले जाना चाहेंगे मैं वहाँ उसको पहुँचाऊँगा। मुझे बरखेड़ा की जनता ने इतना प्यार दिया है कि दो बार मैं सभासद रहा हूँ, दो बार चेयरमैन रहा हूँ, ये मेरे ऊपर बरखेड़ा जनता का बहुत बड़ा उपकार है। मैं उनसे अपनी एक अपील कर सकता हूँ तिवारा घोषणा की कि तिवारा मुझे चेयरमैन बनाए तो जो भी मेरे सपने और जो अधूरे काम रह गए हैं उनको मैं पूर्ण करूँ। मैं सभी नगरवासियों को वारा रबी अव्वल की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आने वाले तीसरे इलेक्शन में मुझे हर तरीके से नवाजें। मैं उनसे ये अपनी अपील कर रहा हूँ। बाकी अभी दिवाली का भी त्यौहार है, मैं सभी लोगों को, बरखेड़ा नगरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ।